एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 7 से हमारा फिफ्थ पार्ट है 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74 माइनस 378x प्लस 152y माइनस 604। काफी बड़े नंबर इक्वेशंस में किनको सोल्व करने के लिए करेंगे क्या? पहले तो कुछ ऐसा नंबर जिसको 152 से मल्टीप्लाई करें या 378 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों इक्वल हो जाएं। जैसे कि हम डायरेक्ट मेथड यूज करते आ रहे हैं, कोई हमें ऐसा नंबर चाहिए तो क्या किया जाए? सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे 152 एंड 378। आप इनका एलसीएम लेंगे तो आप इनका एलसीएम आएगा आपके पास 28728। क्लियर? अब 152 से 28728 को डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 189। तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 189 एंड इक्वेशन सेकंड बाय। अब अगर आप 28728 को 378 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 76। अब आप 189 से अपनी फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका नंबर बनेगा 28728x माइनस आप 378 को 189 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 71442y इज इक्वल टू, आप 74 को 189 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा 13986 माइनस में। ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही आप 76 से 378 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28728x नेगेटिव प्लस 76 से आप 152 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 11552y इज इक्वल टू, आप 76 से 604 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 45904। ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 4th माइनस में। ओके, अब ये नंबर आपके डायरेक्ट कैंसिल हो रहे हैं। अगर इनको डायरेक्ट कैंसिल किया जाए तो स्टेप रहेगा आपका बाय एडिंग। अगर इनको ऐड किया जाए तो एक्स वाला पार्ट तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया, यहां पर क्या बचा? यहां पर बचा माइनस 2 माइनस 2 0, 14 माइनस 5 9, 13 माइनस 5 8, 10 माइनस 1 9 एंड 6 माइनस 1 5 y। चेक कर लीजिए 2, 9, 5, 14, 8, 5, 13 एंड 1 14, 9 और 1 10 एंड 1 11, 5 एंड 1 7। यहां पर दोनों नंबर माइनस के हैं, इनको सोल्व किया जाए तो 6 और 4 10, 8 एंड 1 9, 9 एंड 9 18, 5 और 3 8 और 1 9, 4 एंड 1 5 माइनस। अब y इज इक्वल टू माइनस 59890 डिवाइडेड बाय 59890, दोनों नंबर सेम है, देन द वैल्यू ऑफ y इज 1। ओके, नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74 और y की वैल्यू है हमारे पास 1। ओके, 152x माइनस 378 इज इक्वल टू माइनस 74, x इज इक्वल टू माइनस 74 प्लस 378 देन 152x इज इक्वल टू, इनको माइनस किया जाए तो 4
जीरो थ्री, देन एक्स इज इक्वल टू 304 डिवाइडेड बाय 152, 152 टू जा, तो जो आपका एक्स है उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 2, और जो वाई है उसकी वैल्यू आ गई 1, ये आपका आंसर। पर अगर ध्यान से देखें तो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आपको। सेकेंड मेथड से आप क्या करेंगे इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, कुछ ऐसा करेंगे कि ये इक्वेशन आपकी सिंप्लीफाई हो जाए और कुछ सिंपल नंबर आ जाएं जिनको आप आपस में सोल्व कर सकें। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐसा आप कब डिसाइड करेंगे, आप अगर ध्यान से देखें इसमें 152 है, 378 यहाँ पर, 378 और यहाँ पर 152, यहाँ पर ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस। अगर आपको ऐसे साइन और नंबर्स मिलते हैं जो एक्स का नंबर यहाँ पर सेम है वो यहाँ पर वाई का है, और ऐसे ही जो यहाँ पर वाई का नंबर है वो यहाँ पर एक्स के साथ लिखा हुआ है, तो आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, क्या मिलेगा आपको, 152x - 378y = -74। आप इसके नीचे दूसरी इक्वेशन लिखिए, 152y - 604, इक्वेशन फर्स्ट और ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐड कर रहे हैं आप, तो ऐड करने से क्या होगा, यहाँ पर मिला आपको 6, 5 4 2 7, 2 एंड 1 3, नेगेटिव, और ऐसे ही यहाँ पर मिलेगा -2 2 6x, क्योंकि सेम साइन है, यहाँ पर दोनों नंबर माइनस के तो प्लस हो जाएंगे, 4 और 4 8 7 6 माइनस में। ओके, अगर पूरी इक्वेशन को -2 to 6 से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, -x - y and 3 6 18, 3 2 6 and 1 7 and 3 2 6, that is -3, इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ओके, इन्हीं दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी 152x - 378y = -74, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, -378x + 152y = -604। इसमें थोड़े स्टेप ज़्यादा हैं पर आपकी जो कैलकुलेशन है वो एकदम सिंपली हो जाएगी, आपको कोई एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने से जो भी आपकी सेकंड इक्वेशन होती है आपको पता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, यहाँ पर बना 8 और 2 10, 7 और 5 12, और 1 13, 3 एंड 1 4 एंड 5x, ये भी 530y बट माइनस में, इज इक्वल टू, इनको माइनस करेंगे तो 4 - 4 0, 10 - 7 3, और ये 5 पॉजिटिव। अब अगर इस पूरी इक्वेशन को 530 से डिवाइड कर दें तो ये बनेगा x - y = 1। अब आप क्या कीजिए, आप थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आपस में सोल्व कर दो, एकदम सिंपल इक्वेशन है, अगर आप देखें तो x डायरेक्ट कैंसिल हो सकते हैं, तो डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, अब आप कीजिए ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जो आपकी सिंप्लीफाई होगी, बनी -x - y = -3 एंड x + y = 1। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन में x - y = 1 है, x डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, -2y = -2, y = -2 / -2 = 1। अब जो आपकी y की वैल्यू आई आप उसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पर आप अपनी सिंपल इक्वेशन देखिए जो आपको सबसे सिंपल लगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फोर्थ। अगर हम फोर्थ इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बनता है x - y = 1, x = 1 + 1, x = 2। सो फिर से वही वैल्यू मिली आपको, x = 2 एंड y = 1, और ये आपका
आंसर।